हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 6 है रैंक पुशिंग का सोलो एपीपी कॉन्करर में भाई, और मेरा मतलब टीयर चल रहा है अभी, मतलब क्राउन 5th पे हूँ और भाई मेरा रैंक है मतलब 300 के करीब। अपना टीयर और अपना रैंक मेरे को ज़रूर बता देना, और भाई मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आईडी दे दूँगा, जो भी पूछना भाई मुझसे आके पूछ लेना, रिक्वेस्ट डाल देना भाई, मैं ले लूँगा रिक्वेस्ट। और अपना नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी गेमर आईडी, आपका जो गेम में नाम होएगा भाई वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे भाई मैं आपकी रिक्वेस्ट ले लूँ और आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज देना और मैं आपकी ले लूँगा रिक्वेस्ट, ठीक है। और भाई इस मैच की बात करो भाई, इस मैच में इवेंट पे कम से कम 15 से 16 बंदे आ रखे थे भाई। ये पहले एक बोट को मारता हूँ मैं भाई, ये बोट पता नहीं क्या करने आ रहा था साला। चलो कोई नहीं, एक किल मिल जाता है, ये दूसरा किल भी मिलता है भाई बोट का। ये देखो भाई, जब भी उतरोगे ना भाई, ये जोड़जुपल के ये जो घर होते हैं ना भाई, इन घरों की साइड पे उतरना, क्योंकि भाई यहाँ पे बोट बहुत आते हैं। अभी एक और बोट दिखेगा मेरे को दूर से भागता हुआ, इसको पहले मार देता हूँ मैं। और भाई तुम मेरे को मतलब ना, मैं तुमको थोड़ा बहुत टिप्स दूंगा भाई, जो भी मतलब डायमंड पे है, जो मतलब अभी क्राउन पे, जो क्राउन वाले बंदे भाई वो एकदम ध्यान से सुनना उस वाली जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ भाई। जो भी क्राउन पे जो जो बंदे है ना भाई, उस बात को भाई एकदम नोट कर लेना भाई, क्योंकि बहुत मुश्किल है भाई अभी क्राउन वाले बंदों के लिए वो चीज। पहले वो छोड़ो, मैं इधर आ जाता हूँ इवेंट पे, एक बोट मिलता है यहाँ पे भाई। इस बोट को मारने के बाद भाई मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ, क्योंकि भाई इवेंट पे बंदे थे ही नहीं भाई, क्योंकि भाग जा रहे थे सारे। और ये एक बोट दिखता भाई, पता नहीं बोट क्यों दिख रहा है। और भाई तुम्हारे भाई के 5 किल और 5 के 5 बोट मारे हैं भाई, कसम से भाई मेरे को कोई बंदा ही नहीं दिखता। मैं फाइट लूँ तो भाई मैं मर जाता हूँ, इससे बढ़िया मैं थोड़ा सा ऐसा कवर में खेलता हूँ, ताकि भाई मेरे को बोट भी मिले और बंदे भी मिले। और भाई मैं जो भी बताने वाला हूँ ना क्राउन वाले बंदों के लिए, वो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है भाई, क्योंकि क्राउन पे अभी ज़्यादा प्लस मिलना मिलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि मिलना ही नहीं है भाई, ऐसा सोच लो। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, यहाँ पे मैंने सोचा भाई जोन में जाता हूँ। जोन में मैं जाने वाला था, पीछे से एक साउंड आता है गाड़ी का, गाड़ी वाला चला जाता साउंड देके भाई, मैं गाड़ी उठा के सीधा फिर जोन में जाता हूँ भाई, क्योंकि भाई बहुत ये गेम लैग हो रहा था। और भाई इतने से एक मैच मैं खेल रहा था भाई, क्योंकि उसमें इतने एक छोटे से जोन में भाई 30 बंदे अलाए भाई, 30 बंदे उस छोटे से जोन में कैसे मतलब बंदा सरवाइव करे ये समझ के पार ही था भाई, कुछ भी चल रहा है भाई। और भाई इस वाले मैच में ना भाई बंदे ना ऐसे ऐसे महारती थे ना भाई, बंदे ऐसी ऐसी जगह पे बैठे हुए थे तुम्हारा भाई, मतलब होल्ड वोल्ड कैसे ना भी कैसे, अब तो टॉप 30 टॉप 20 में भी आना बहुत मुश्किल था भाई, क्योंकि बंदे बहुत एक एक घर में होल्ड करके बैठे हुए भाई। मन डर लग रहा था भाई हर एक घर में जाने के लिए। पहले मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना अपने घर पे ना एक गाड़ी दिखती है भाई, मैं सोचता हूँ भाई यहाँ से मैं खड़े होके स्प्रे दूँ आराम से, क्या पता भाई उतार दूँ मैं। यहाँ पे देखता हूँ मैं पहले बंदे को, थोड़ा सा होल्ड किया भाई, तुरंत ही एक बग्गी गई। जैसे भाई मैंने इसको स्प्रे मारा भाई, मेरे को पता चल गया एक भी गोली कनेक्ट नहीं होगी भाई, क्योंकि मैं तुरंत भाई अब मैंने गाड़ी उठाई, मैं इनका भाई जोन में जाओ भाई। ये इस बाइक वाले को देखो तुम, ये वाला ये चीज़ देखो भाई तुम, जैसे यहाँ पे गाड़ी मैंने रोकी उसी टाइम इसको स्प्रे दिया मैंने, उसी टाइम भाई सामने वाले घर से मेरे को फायर आता। और भाई माँ कसम भाई, इधर मेरे को ऐसा दिल धक धक हो रहा था भाई, मेरे को लग रहा था भाई माइनस जाएगा, खत्म है गेम, क्योंकि प्लस देगा नहीं, क्योंकि भाई मैं क्राउन पे हूँ। मैंने पहले एक स्मोक फेंका, क्योंकि भाई पहले फॉल बैक ले लेते भाई, क्या पता भाई बंदा रस कर दे, वैसे उसने रस किया नहीं था। यहाँ पे एक ड्रिंक मार लेता हूँ, और पीछे से ये बंदे जोन के बाहर से आ रहे थे भाई। मैंने सोचा एक पहले स्मोक मार के मैं कवर में जाऊँ भाई, क्योंकि आगे, क्योंकि ये जगह भाई कवर में है ही नहीं भाई। यहाँ पे मैं स्मोक मार देता हूँ, और भाई अभी इस देखिए और मेरी फाइट होने वाली है बहुत तगड़ी वाली, तुम फाइट देखना भाई, फाइट देखो भाई तुम, फाइट इतनी गजब होगी इस बंदे और मेरे बीच में। मैं तुरंत जैसे ही यहाँ पे आया, इस बंदे का साउंड आया मेरे को इस घर से सामने वाले से, मैंने सोचा एक मोली मारता हूँ, पर ये मोली बाहर गिर जाती है, एक अंदर भी मोली मार देता हूँ मैं, और ये दूसरी मोली से भाई बंदा जल जाता है और सीधा यहाँ से कूद के आता है। और भाई इस बंदे को एकदम आराम से मार देता हूँ भाई मैं, और ये बंदा शायद टॉप 100 की रैंकिंग में बैठा है, पता नहीं क्या भाई, मुझे नहीं पता भाई। और भाई तुम उस बाइक वाले को याद रखना भाई, और मैं यहाँ पे जल्दी से हीलिंग मार के भाई और लूट वूट करके भाई मैं यहाँ पे आता हूँ। उस बाइक वाले को याद रखना भाई, उस बाइक वाले को मारेगा, और ये बाइक वाला बंदा यहीं लेटा होता है, ये देखो
भाई, और जैसे ही इस बाइक वाले को मारा ना भाई, और यहाँ से पीछे से एक और गाड़ी आ रही होती है। यहाँ पे भाई मैं एक हेड मारता हूँ क्योंकि गेम लैग हो रहा था मेरा बहुत, पर ये बंदा भाग जाता भाई, और पीछे से और भी बंदे आ रहे थे। मैं तुरंत भाई रिलोड विलोड करके गाड़ी कवर में लेता हूँ भाई। जोन के बाहर भी बंदे आ रहे होते हैं, और भाई मैं सोचता हूँ भाई मैं बहुत ओपन में था, और भाई मैं कोई भी इधर कोई भी कवर में जगह नहीं थी, जहाँ मैं कवर में जा रहा वहाँ बंदा बैठा हुआ था, और मैं शायद यहीं पे गाड़ी रोकता हूँ। हाँ, मैं इधर ही गाड़ी रोकता हूँ एकदम इस पत्थर के पास लाके इधर की साइड पे, और यहाँ लेट जाता हूँ मैं सिंपली। और यहाँ से जोन से बाहर से एक बंदा भागते हुए दिखता मेरे को, थोड़ा स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ भाई। गेम बहुत लैग हो रहा था, इसका हेड दिख रहा था जरा सा मेरे को यहाँ की साइड पे। ये भाई साहब पीक निकाल रहे होते हैं, पर यहाँ पे गेम बहुत लैग हो रहा होता है। एक हेड कनेक्ट होता भाई तुक्के से, वो भी पता नहीं कैसे भाई हो जाता है एक हेड कनेक्ट। जैसे ही मैं ये पीक निकालता भाई इसको मारने की कोशिश करता हूँ, एक बुलेट और लगी भाई, क्योंकि मैं नॉन जायरो में यही होता है जब स्प्रे देते ना भाई ऊपर चला जाता है स्प्रे, और ये बंदा जोन से मर जाता है। किल फिट देखो भाई, ये बंदा जोन से मर जाता है, और मैं सोचता हूँ भाई अभी जोन से मरा ही नहीं है भाई, मैं किल फिट पे ध्यान ही नहीं देता। जब मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ भाई तब ध्यान देख, जब देखता हूँ भाई ये जोन से मर जाता है। और भाई जो बंदे क्राउन पे भाई, मैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, क्राउन पे कम से कम भाई जितना हो सकते भाई जितना हो सके भाई सर्वाइव करो गेम, बस सर्वाइव ही करना पड़ेगा भाई। किल विल मत ही निकालना भाई, जितना हो सके सर्वाइव करना, क्योंकि भाई क्राउन वाले बंदों का प्लस ज्यादा नहीं होएगा। और दूसरी बात ये है भाई, अगर क्राउन पे हो रैंक पुश कर रहे हो और भाई माइनस जाएगा ना तुम्हारा, माइनस भाई कम से कम 30 का माइनस जाएगा ही जाएगा, 30 के नीचे का माइनस जाएगा ही नहीं भाई। और ये बग्गी आती है, ये देखो तुम पहले भाई, तुम लैग देखो भाई, लैग देखो इस कदर हो रहा है। हाँ भाई मैं क्या कह रहा था, जिसका भी भाई अगर माइनस जाएगा ना भाई 30 का, मतलब भाई 30 का तो जाएगा ही जाएगा भाई अगर जो बंदा मरेगा, ठीक है। और भाई माइनस तो बिल्कुल ही मत देने देना। और भाई जैसे मैं ये पहाड़ी पार करके आता हूँ ना भाई, यहाँ पे हर जगह बंदे बैठे हुए थे भाई, कोई भी जगह सेफ नहीं थी एक भी जगह। जैसे मैं इधर आता हूँ भाई, मैं गन निकालता हूँ और ये देखता हूँ पहले इस गाड़ी के पास तो कोई नहीं, उसी टाइम भाई ये होता है भाई UMP से कोई बाजू से मारता है भाई, हार्ट अटैक आ जाता है लिटरली भाई। देखने के लिए पीछे करता हूँ भाई, मैं सीधा नीचे जाता हूँ भाई भाड़ में, बाकी सब भाई मैं हीलिंग मारूंगा पहले जाके नीचे, ठीक है भाई। मैं क्या कह रहा था, जिसका भी अगर माइनस जाएगा ना भाई, रिकवर होने में उसको बहुत टाइम लगेगा, एक घंटा तो लग ही जाएगा अगर माइनस जाएगा तो उस बंदे का, ठीक है। इससे बढ़िया माइनस दो ही मत भाई, तुम समझ रहे हो, जितना हो सके भाई तुम प्लस करो, भले ही प्लस दो या तीन हो भाई, पर माइनस एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रैंक बहुत नीचे गिर जाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो। और भाई मैं रोज ये कहता हूँ, रैंक कम से कम अपनी 300 या तो 200 तक ही रखो, उससे ऊपर ना उससे नीचे रखो। नीचे रखना तो ठीक है, नीचे रख लो, ऊपर मत ही रखो। और डेली का भाई 200 प्लस तो दो ही दो गेम में, ठीक है। ठीक है भाई, डेली का 200 प्लस दो। और जैसे मैं यहाँ पे हीलिंग मार के बंदे स्पोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और भाई उसी टाइम भाई ये साला कोई फ्लेट चला देता पता नहीं कौन, और मैं जोन में जाता हूँ। और भाई मेरे को लग रहा था कोई ना कोई वेयर हाउस में है जो मतलब मेरे को मारेगा, और मेरे को यहाँ से पर कोई दिख नहीं रहा था, मैं सीधा भागता हूँ। यहाँ पे एक बग्गी दिखती है मेरे को, और उसी टाइम भाई ये होता है। जिस बात का डर था भाई, वेयर हाउस में दो बंदे टीम अप करके बैठे हुए थे भाई, कुछ नहीं किया जा सकता। और भाई यहाँ पे 22 का प्लस मिला था मेरे को 7 किल पे, तभी मैं कह रहा था भाई प्लस बिल्कुल कम मिलेगा, और भाई माइनस तो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भाई मैं खा चुका हूँ माइनस, मुझे पता है। ठीक है भाई, अपनी रैंक और अपना मतलब टीयर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।